साथियों, गन्ना किसानों की मुश्किलों को हल करने के लिए हर संभव कोशिश बीते 5 वर्षों में की गई है। गन्ने के लाभकारी मूल्य को लागत का 1.5 गुना से अधिक तय किया गया है। जब भी कोई समस्या हुई है, हमने ये कोशिश की है कि किसानों को उनका बकाया समय पर मिले। अब ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि बकाया हो या फिर दूसरी मदद, वो सीधी गन्ना किसान के बैंक खाते में ही पहुंचेगी। हाल में ही केंद्र सरकार ने 60 लाख मैट्रिक टन चीनी के निर्यात पर 6000 करोड़ रुपए से अधिक की सब्सिडी देने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, हमने ये भी तय किया है कि ये सब्सिडी भी सीधे गन्ना किसानों के खाते में जाए। भाई और बहनों, गन्ना किसानों को सिर्फ चीनी के भरोसे ना रहना पड़े, इसलिए इथेनॉल के उत्पादन पर भी बल दिया जा रहा है। देश भर में इसके लिए आधुनिक फैक्ट्रियां बनाई जा रही हैं। हमारा प्रयास है कि आने वाले समय में पेट्रोल डीजल में करीब करीब 10% तक के इथेनॉल का उपयोग किया जा सके। जैसे जैसे इथेनॉल की डिमांड बढ़ेगी, वैसे वैसे गन्ना किसानों को भी अधिक लाभ मिलना तय है।